हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो बहुत दिनों से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे फॉर माय स्किन केयर रूटीन। मैं अपने स्किन केयर रूटीन में क्या क्या इंक्लूड करती हूँ, अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड बी अ लॉट टू मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देर इज नथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ। मैंने अपने फेस में अभी कुछ भी नहीं लगा रखा है। इनफैक्ट मैंने अपना फेस वॉश भी नहीं कर रखा है, जस्ट मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया है अपने लिप्स में एंड दैट्स इट। सो दिस इज माई नेचुरल क्लियर स्किन, यू कैन सी। सो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है एंड हर स्किन टाइप्स के पीपल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। जैसे आप देख सकते हो कि मुझे है थोड़ा सा डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम एंड हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है अराउंड माय माउथ। सो मेरा स्किन केयर रूटीन इस हिसाब से है। सो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ दिस हिमालया का नीम फेस वॉश। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट फेस वॉश। सो गाइज, एज वी ऑल नो कि नीम में एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालती है एंड हमारी स्किन को क्लीन, क्लियर एंड पिंपल फ्री बनाती है। सो मैं अप्लाई करूँगी टोनर एंड उसके लिए मेरे पास है दिस गुड वाइब्स का रोज हिप स्किन क्लैरिफाइंग टोनर एंड इसे मैं अच्छे से स्प्रे करके एंड पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। जस्ट डैप डैप करके अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब होने दूँगी। टोनर आपके फेस के पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को काम एंड रिलैक्स करता है। करूंगी सीरम एंड उसके लिए मेरे पास है दीज टू सीरम्स बाय डॉक्टर सेट्स। एक है मेरे पास आंवला VC20 विटामिन सी सीरम एंड दूसरा है अश्वगंधा एंड अल्फा आइबुप्रोफेन सीरम। एंड एज वी ऑल नो कि हमारे स्किन के लिए विटामिन सी कितना ज़्यादा अच्छा होता है एंड यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको यहाँ पर मिलता है 20% विटामिन सी, 1% विटामिन ई, 1% सोडियम हाइलुरोनेट एंड 0.5% फ्यूरिक एसिड, फ्यूरोलिक एसिड एंड आंवला एक्सट्रैक्ट है इसमें। एंड देन इसमें भी आपको सारे इंग्रेडिएंट क्लियरली मेंशन है एज यू कैन सी। इसमें 2.5% एलर्जिनाइन है, 2% अल्फा आर्बिट्यून है, 2% कोजिक एसिड बीट्स है एंड लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है। दीज टू प्रोडक्ट्स आर टोटली पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री, प्रेगनेंसी सेफ है एंड 100% वीगन है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें इन्हें यूज कैसे करना है। सो दिस इज हाउ इनर बॉटल्स लुक्स लाइक। आपको ग्लास की बॉटल मिलते हैं एंड आपको ड्रॉपर के साथ मिलता है। सो इन सीरम्स को हमें एक साथ यूज करना होता है। सबसे पहले मैं विटामिन सी सीरम्स के 2-3 ड्रॉप्स लूंगी एंड देन लूंगी अश्वगंधा एंड अल्फा आर्बिट्यून सीरम के 2-3 ड्रॉप्स। दोनों सीरम्स को अच्छे से मिक्स करूँगी एंड थोड़ा सा वार्म अप करूँगी अपने हैंड्स के बीच में लाइक दिस एंड देन मैं इसके बाद डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। आपको डैब करते करते ही अप्लाई करना है लाइक दिस एंड अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलना, अपने नेक एरिया में भी आपको अप्लाई करना है। इससे ये हमारी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। सो गाइस, ये सीरम्स आपके स्किन को इवन टोन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लस अगर आपके स्किन पे कोई डिस्कलरेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसे भी रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लस अगर आपके स्किन में कोई एक्ने स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये उसे भी रिड्यूस करते हैं, उसे भी लाइटन अप करता है। प्लस आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड सूथ करके रखेगा। ऑल्सो इट रिवील्स अ मोर रेडियंट कॉम्प्लेक्शन। इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं लाइक अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। आर्बुटिन आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। एल अर्जिनाइन आपके स्किन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। एंड गाइज, इट सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, नो मैटर आपकी स्किन ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो या सेंसिटिव हो, ये सारे स्किन टाइप्स को बहुत ही अच्छे से सूट करता है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें लगाने से पहले एंड आप इसे दिन में, रात में कभी भी एक बार अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र विच इज़ दिस निविया मॉइस्चराइज़र। एंड यू गाइस नो कि मुझे मॉइस्चराइज़र कितना ज़्यादा पसंद है, सो इसको मैं इस तरीके से के बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का सनस्क्रीन। एंड अगर आप विटामिन सी को अप्लाई कर रहे हो तो SPF लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर आप रात में लगा रहे हो या फिर दिन में लगा रहे हो, सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। या सो ओके नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लिप बाम। एंड काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये मैं कौन सी वाली लिप बाम यूज़ करती हूँ, तो ये है VLCC की लिप बाम, बट इसका VLCC का वो जो आउटर वाला कंटेनर था वो मेरा टूट गया था, डेट्स वाई मैंने इस वाले कंटेनर में उसे रख लिया है। सो ये VLCC की लिप बाम है। सो गाइस इतना ही है मेरा स्किन केयर रूटीन एंड दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बाजू में बेल आइकॉन उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख सको। मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।